दोस्तों नमस्कार, आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है, आज जो है अंशिका अपने मामा के वहाँ पे जा रही है और एक बार नीचे चल तो देख सकते हैं। यहाँ ऊपर से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, साइड में जीना है यहाँ पे। दोस्तों अब चलते हैं नीचे की तरफ और पूजा मोटो जो है अपने घर जा रही है। देखिए जाने की खुशी में पूरी खुश। अंशी बाय टाटा। अभी देखो अभी कितनी जल्दी बैठ गया गाड़ी में। अंशिका आ जा बेटे, जल्दी आओ, चलो बैठो, अब अंदर बैठो। बार हो रही भाई, बैठ लेते हैं गाड़ी में और अंशिका जो है आगे बैठेगी। अंशिका हेलो बोल दो। है अपनी मम्मी के साथ में बैठेगा अभिनव पिछली तरफ। शाम होगी दोस्तों देखो बीच में बैठा सहनसा पी के, बताओ मेन रोड पे बैठा 70 रुपए का क्वार्टर पी के और पूरी ताकत आ रही भाई। बताओ जी कुछ है बात, मेन हाईवे है, कोई चढ़ गया ना अभी इसका चिप्स बना के भग जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आ गए हैं, ये जो है काली नदी है, ये देख सकते हैं काफी बड़ी, और ये पुरवालियान गांव से पहले पड़ती है, बहुत बड़ा पुल है वो। क्षेत्र पंचायत शाहपुर का बोर्ड लगा हुआ ऊपर, सामने भाई वो पुरवालियान गांव आ जाएगा। दोस्तों ये जो है यहाँ स्कूल है पुरवालियान गांव का, और यहाँ से एंट्री होती है। मेन रास्ते बहुत छोटे छोटे हैं गांव के, ये देख सकते हैं। दोस्तों मैं और अभिनव आगे हैं यहाँ पे। ओ देख तो जल्दी बोल लो, कुछ तो बोल लो। दोस्तों मैं जा रहा हूँ गांव की तरफ, और ये दोराड़े का जो है दरोगा जी के बाग की तरफ से जा रहा हूँ। काफी लेट हो गया मैं आने में, लेकिन ये था अब तो मैं आ गया बच्चों को छोड़ के। अगर भाई ये सुबह आता तो सुबह का काम और वो हो जाता, क्योंकि उठ तो ही आना नहीं, चलना भी एकदम कैडी बात हो जा, नाश्ते पानी करने बिना कोई भेजता नहीं, उसमें थोड़ा लेट हो जा। तो भाइयों मैंने सोचा मैं चलो अभी चलते हैं, अब तो यह है जाके अपना दूध दाल पी के सो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुबह से अपना फिर वही रूटीन हो जाएगा अपने काम का। तो दोस्तों हमने तो एक तजुर्बा कर रखा, जिस भी किसी भाई ने अपना ज़्यादा बाहर घूमने के चक्कर में या रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में अपना हिल्ला छोड़ा भाई, वो आज इंसान परेशान है। और जिसने भाई सारी तो चांद भी निकल रहा भाई, बहुत बढ़िया और बढ़िया मौसम हो रहा, और जिसने अपना काम करा रिश्तेदारी भी निभाई और वो अपने काम से काम रखा भाई, उन लोगों ने बहुत तरक्की करी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है वीडियो के माध्यम से कि आप आने जाने छोड़ दो, जाओ सब के जाओ, लेकिन अपने टाइम अपना जो काम है अपने टाइम के हिसाब से उसका ऐसा रूटीन बना के चलो कि आपका काम भी खराब ना हो और आपका जो है आपकी फसल को, क्योंकि अगर आप पूरे दिन घूमते फिरते रहे, ये जो होते हैं मई जून का महीना, मतलब मार्च अप्रैल और मई, ये 2-3 महीने ही ऐसे होते हैं जो किसान की पूरी मतलब फसल वगैरह इनमें ही बन जाती है और इनमें ही बिगड़ जाती है। अगर मैं मान के चलो 15 जून के बाद में खेत में मेहनत करनी शुरू करूं और बीच में मैंने ढिलाई रख दी शुरुआत में, तो मेरी मेहनत करने का भाइयों कोई फायदा नहीं है किसी भी काम का। अब अगर हमने वो दवाई कर दी, टॉनिक कर दी खेतों में, उन्हें हम ब्यांत पे ले आए दवाइयों उसके लिए आए, दवाई का भी सही तरह का अब हमने लगा दिया उसमें, तो वो हमारी फसल जो है, क्योंकि हमारा जो दारमोदार है किसान भाइयों का सभी का ही, वो खेती ही है। और खेती में जो है अपना जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जो भाई हैं वो अपने गन्ना बोते हैं, तो गन्ने में तो भाई ये 2-3 महीने ही हैं जो काम के हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करेंगे, शेयर करें, और बस नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। गांव की तरफ मोड़ देते हैं, आगे से ट्रैफिक आ रहा है भाइयों। नमस्कार।